अखिलेश यादव पर क्या कहेंगी, उन्होंने आपको टिकट दिया, विश्वास जताया, छोटा सा मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मुझ पर यकीन जताया, तो इसका मेरे दिल में आभार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये सीट जीत कर उनकी झोली में डालकर इस कर्ज को चुका। प्रदीप जी के बारे में क्या कहेंगी? देखिए उनके बारे में वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं फिलहाल। RLD के जो समर्थक थे, जयंत चौधरी के समर्थक थे, वो कह रहे हैं आपकी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, ईमानदारी से, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा भी दूंगा। बहुत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, देनी पड़ेगी वोट पर दिल नहीं है। दिल नहीं है, दिल इकरा पे है। वो आपकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हम फंस गए हैं, हम दें वोट तो दें किसको? तो ये जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप अपनी तरफ कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपने उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली कि आप बार बार लोगों के बीच में जा रही हैं। जी ये मेरे पिताजी की है, मैं भी इस क्षेत्र की बेटी हूँ और मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, तो मेरी सभी से अपील है कि ये मौका मुझे देकर देखें, मुझ पर अपना यकीन जताएं। स्वागत है दोस्तों, भारत एक्सोस देख रहे हैं आप। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, हो रही हैं, और उसमें से एक सीट है कैराना लोकसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया और वो खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इकरा जी बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सोस पर। इकरा जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेहनत चल रही है, अभी आपने रोजे में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, गाँव कहीं घूम रही हैं, कितनी फाइट है इस बार, किस तरह का चुनाव जा रहा है इस बार? देखिए हर चुनाव एक चुनौती ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरीके से हम घूम रहे हैं और जिस तरीके का हमें समर्थन और सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव दिन प्रतिदिन हमारी तरफ झुकाव होता जा रहा है और यही उम्मीद लग रही है कि इंशाल्लाह हम ये सीट जीतेंगे। क्या इशू है, क्या विज़न है आपका? चूंकि आप बाहर से भी पढ़कर आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई पलायन का मुद्दा तो है ही, लेकिन इकरा हसन जो हैं वो बेरोज़गारी और यहाँ की बच्चियों और महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रा एक बार दर्शकों को बताएं विज़न क्या है? देखिए पलायन का पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, कोई मुद्दा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा था जो 17 में शुरू हुआ और 17 में कैराना सीट पर भाजपा हारी, जनता ने इस मुद्दे को नकारा, 22 में दोबारा इसको शुरू किया गया लेकिन फिर से जनादेश भाजपा के खिलाफ रहा, तो धरातल पर ये मुद्दा है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है BJP का, तो इसकी बात हमारे लोकल मीडिया वालों ने तो उठानी भी बंद कर दिया और मेरी सबसे यही विनती है कि इस तरह के मुद्दे अब ना ही उठें। आप कह रहे हैं पलायन का कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस था, कुछ लोग जिनके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई वो यहाँ से बड़े शहरों में चले गए, जो कि हर जगह देखने को मिलता है और वो भी बहुत कम फैमिलीज थी, जिस तरह की सूची दी गई थी उसमें सेंट्रल एजेंसीज ने भी इन्वेस्टिगेट किया था और स्टेट की और लोकल अथॉरिटीज ने भी इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन कोई उसमें सच्चाई नहीं पाई गई, तो मेरे आप सबके माध्यम से ये निवेदन है कि इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं विकास के मुद्दों पर, तो हमारे क्षेत्र, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है तो वहाँ पर विकास की अभी कमी है काफ़ी, तो एक तो क्षेत्र का विकास हमारा मुद्दा है और महिलाओं के लिए जैसा मैंने कहा, जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की फैसिलिटीज़ कम है महिलाओं के लिए, उस वजह से उनकी पढ़ाई एक सीमा के बाद रुक जाती है, सीमित पढ़ाई रह जाती है 12वीं तक, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार या ना सरकार, सरकार आए या ना आए, पर अपने माध्यम से कि उनके लिए इस क्षेत्र में कुछ किया जाए, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ पर हेल्थ केयर की भी बहुत कमी है, तो प्रयास रहेगा जितना भी हमसे हो सकेगा कि यहाँ पर हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि हमारे ज़िले में सिर्फ एक महिला डॉक्टर है जिनको मेडिकल भी करने पड़ते हैं, जिनको गवाहियों में भी जाना पड़ता है, OPD भी देखते हैं, ऑपरेशन भी देखते हैं, तो बहुत उसकी कमी यहाँ पर महसूस होती है, तो उस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। और ये हमारा मुख्य रूप से गन्ना बेल्ट है, तो हमारे गन्ना किसानों के जो मुद्दे हैं MSP का, जिसका इंडिया गठबंधन ने भी गारंटी देने का काम किया है, तो हमें उम्मीद है कि अगर मेरी सबसे विनती है कि आप लोग गठबंधन का साथ दें तो MSP की गारंटी भी मिलेगी और किसानों का कर्ज भी माफ़ होगा, और लोकल लेवल पे हम प्रयास करेंगे मिलों पर दबाव बनाकर कि 14 दिन का जो वादा है पेमेंट का वो पूरा रहे, तो ये हमारे मुद्दे। अच्छा इकरा, मैं आपको बताऊँ, जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई, RLD के जो समर्थक थे, जयंत चौधरी के समर्थक थे, वो कह रहे हैं आपकी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, ईमानदारी से, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा भी दूंगा, वो आपकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हम फंस गए हैं, हम दें वोट तो दें किसको? तो ये जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप अपनी तरफ कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, देनी पड़ेगी वोट पर दिल नहीं है, दिल इकरा पे है।
देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ ज़रूर हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए हमें स्थानीय लोग ऐसे चाहिए जो सबके प्रति आना जाना रखें, सबकी समस्याएं सुने। और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हमारे माननीय सांसद जी का रहा है वो अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है कि वो कितना जनता के बीच रहे हैं। और इस बात को देखते हुए, और मैं किसी पद पर नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया सबके बीच में जाने का, चाहे धरने हों, चाहे सुख दुख हो, जो भी समस्या हमारी रही। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौका माननीय सांसद जी को सबने देकर देखा है। मैं भी इस क्षेत्र की बेटी हूँ और मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, तो मेरी सभी से अपील है कि ये मौका मुझे देकर देखे, मुझ पर अपना यकीन जताए। प्रदीप जी के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, उनके बारे में, वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं फिलहाल, पार्टी से उनका मेरे सामने टिकट है, तो चुनाव है, वो होते या और कोई भी होता, चुनाव तो चुनाव है। व्यक्तिगत तौर पे मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने लोगों के मुंह से जो उनके लिए बात सुनी है वो यही सुनी है कि उनका आना जाना कम रहा है। और एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के बीच रहे, उनकी परेशानियों से अवगत रहे। तो बस, और आपने उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली कि आप बार बार लोगों के बीच में जा रही हैं। जी, ये मेरे पिताजी की सीख है, वो उन्होंने पहली बार लोगों को एहसास कराया था कि MP कोई एलीट आदमी नहीं होता है, वो जनता के बीच का होता है। और जनता के बीच कैसे जाना है, कि VIP कल्चर कैसे उन्होंने ख़त्म किया। उनसे पहले बहुत कम लोग जो सदस्य बनते थे वो बीच में रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी का यही फ़र्ज़ था, वो इसको निभाते थे, तो मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास। एक छोटा सा रिएक्शन आखिरी अखिलेश यादव पर क्या कहेंगी? उन्होंने आपको टिकट दिया, विश्वास जताया, छोटा सा रिएक्शन। मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मुझ पर यकीन जताया, तो इसका मेरे दिल में आभार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये सीट जीत कर उनकी झोली में डालकर इस कर्ज को चुका पाऊँ। बहुत शुक्रिया इकरा हसन जी, आपने हमें समय दिया। तो इकरा हसन जो कि बता रही हैं कि यहाँ पर हम जो महिला हैं, जो यहाँ पर बच्चियाँ उनकी पढ़ाई के लिए काम करेंगे, आगे जाएंगे, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। एक छोटा सा गांव है जहां पर वो आई हुई हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं और 100-150 लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं गांव-गांव जाकर। कई गांव हैं और भी, उनको जाना है वहां पर, उनके हम कोशिश करेंगे वहां पर भी जाएं और उनको कवर करने की कोशिश करें। फिलहाल भारत एक्सप्रेस देख रहे थे, देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।